हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज 12 घंटे में वर्क करने वाला हूं जोमेटो पे, तो 12 घंटे में कितनी कमाई हो जाती है इस वीडियो पे दिखाने वाले हैं। मैंने एक पोस्ट डाला था कि डेली ब्लॉग जो है डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, तो डेली में अभी जोमेटो पे ही काम कर रहा हूँ। तो जोमेटो से रिलेटेड डेली ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और कितनी कमाई होती है आज 12 घंटे में मुझे कितना जो है रुपया मिल जाएगा जोमेटो से, वो इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और वेट करते हैं पहले ऑर्डर का। कि हम आए गोविंद नगर पे, यहाँ पे हमारा तीसरा ऑर्डर लगा हुआ है, दावत बैंक्वेट, ये मतलब रेस्टोरेंट है, दावत रेस्टोरेंट। तो इधरी पे ऑर्डर जो है वो लगा हुआ है और चलो ऑर्डर लेते हैं। ये हमारा जो है तीसरा ऑर्डर है, पहला ऑर्डर लगा था, दूसरा ऑर्डर इतनी जल्दी जल्दी लग गए कि मुझे बीच में रिकॉर्डिंग करने का ही समय ही नहीं मिला। तो फिलहाल अभी हम यहीं पे हैं और ऑर्डर जैसे ही रेडी होता है तो फिर दिखाते हैं। फिलहाल अभी जो ऑर्डर लगा था दावत रेस्टोरेंट पे, जैसा कि मैंने बताया था, तो उस ऑर्डर ने जो है पिछले दोनों ऑर्डर की कसर निकाली भाई। सब 20 से 25 मिनट करीब जो है हमको रेस्टोरेंट पे ही खड़ा रहना पड़ा, इसके बाद जाके जो है ऑर्डर मिला। जब मैंने काफ़ी बार फ़ोन किया उनको और कस्टमर केयर से भी फ़ोन करवाया, तो रेस्टोरेंट वाले ने जो है ऑर्डर पहले ही रेडी कर दिया, ऑर्डर बनाया भी नहीं, रेडी पहले कर दिया। तो ऐसे ऐसा हो जाता है कभी कभी कि आपके पास ऑर्डर लग वही जाएगा और उसके बाद आप पहुंच जाओगे, 20 मिनट खड़े रहोगे तब भी ऑर्डर जो है उन्होंने तैयार नहीं किया होगा, फिर आप बोलोगे बार बार तब उन्होंने ऑर्डर जो है बनाना शुरू कर दिया, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। तो फिलहाल ऑर्डर जो है मैंने अभी पीछे डिलीवर कर दिया है और अभी मुझे लग रहा है कि मैं निकलना चाहिए मुझे अपने जोन की तरफ, यानी कि शास्त्री नगर या स्वरूप नगर की तरफ, क्योंकि इधर पे ऑर्डर जो है उतने ज़्यादा अच्छे लगते भी नहीं है और रेस्टोरेंट ऐसे है कि भाई सब ऑर्डर डिले बहुत करते हैं तो मज़ा नहीं आता है। तो चलो चलते हैं शास्त्री नगर की तरफ। फिलहाल अभी ऑर्डर देने आए थे काकादेव में, इधरी पे थे तो यहाँ पे ही ऑर्डर लग गया है वापस से। और ऐसा है कि ऑर्डर थोड़ा कम है, बट क्या करें, ऐसी ऐसी जगह पर लेके जाता है जहाँ पर ऑर्डर डिलीवर करना होता है वहाँ पे वीडियो ही नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा शोरगुल रहता है। कल ये गली जो है सुनसान थोड़ी दिखी, पीछे जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट है सारे जितने भी काकादेव के हैं, इधर पे कोई मंडी है कोचिंग की और बस यहीं पे लगा हुआ था पिज्जा के वो नाम से, तो बैठे हुए हैं। एक डबल ऑर्डर था, मल्टी, एक पिकअप कर लिया है, दूसरा भी बाकी है और बस अभी क्या है निकल रहे हैं यहाँ से। ऑर्डर जो है जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पे देना है चल के, VIP रोड पे, जो कि रावतपुर के दूसरी साइड पे कंपनी जो है बाग है चौरा उधरी पे देना है। सर जो है वो रेडी हो चुका है, 167 दे दो, गाड़ी इधर खड़ा करो, एकदम गाड़ी के बगल में गाड़ी ना खड़ा करो, 167। तो ऑर्डर जो है सेकेंड वाला भी ले लिया, दोनों एक ही कस्टमर का है लेकिन अलग अलग आईडी से, मतलब एक ही ऑर्डर दो बार में डिलीवर। तो दोस्तों अभी हम थे होटल हवेली के पास में, ऑर्डर लगा हुआ था इधर पे, तो यहीं पे हमको भाई मिल गए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशर है और मैं अभी आया हुआ था यहाँ, थोड़ा पंचर वगैरह दोस्त के साथ आया हुआ था घूमने, तो उसके पंचर हो गया तो मैं ही खड़ा हुआ था वेट कर रहा था, तो भाई मुझे मिल गए यहाँ पे, तो मैं इनके वेट के चक्कर में रुक गया, तो खैर अभी भाई से मिलके अच्छा लगा बहुत। तो यहीं पे बस खड़े हुए थे, अचानक मिल गए, और सब बढ़िया है? जी सब बढ़िया, तो बस यहीं पे थे। आप लोग जो है भाई को लाइक करें वीडियो में और सब्सक्राइब करते रहें, ऐसे नहीं कि वीडियो देख के चले गए, उनको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, इससे मोटिवेशन मिलता रहता है, अच्छा लगता है, थोड़ा लाइक वगैरह रहता है और रिकमेंडेशन भी वीडियो का होता रहता है, थोड़ा बंदे को जो है मोटिवेशन होता है कि हाँ चलो मेहनत करता रहना चाहिए। मिलते रहते हैं अगर फिर इधर ही पे हम रहते हैं वैसे, मतलब मुलाकात तो होती रहेगी, बाकी अभी क्या है ऑर्डर वगैरह क्या है, ऐसे ऑर्डर इतने सारे लग गए अभी एक साथ में कि टाइम ही नहीं मिल पाया और अंधेरा हो गया, इसकी वजह से जो है फिर हम जो है रात में उतना अच्छा क्वालिटी भी नहीं आ पाती, तो इसलिए मैं रात में फिर वीडियो वगैरह नहीं बनाता हूँ ज़्यादा, बाकी थोड़ा सा क्वालिटी इशू होता है, तो लाइटिंग वगैरह का रहता है कि लाइट वगैरह उतनी अच्छी नहीं रहती, या फिर एक लाइट भी साथ में लेके चलो, उसके लिए पूरा सेटअप सेटअप भी लेके नहीं चलते, इसके लिए लोग घेर लेते हैं चारों तरफ से। अगर मैं एक बार गया था वंदना की तरफ, अच्छा, जब मैं आउट में था वहाँ पे, तो वहाँ पे भी चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया, उधर पे वो काम चल रहा था ओवरब्रिज का, वो लोग भी आगे सोचे लगता है ये जो है हमने कहा कुछ नहीं, हम अपना जो है पर्सनल ब्लॉग बना रखा है, अच्छा होता शायद वो
ऑफिसर वगैरह आ गए चेकिंग के लिए। तो चलो मिलते हैं आपसे सुबह, और काफ़ी रात भी हो गई है तो रात में क्वालिटी वगैरह सही नहीं रहेगी, इसलिए जो है अभी इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे सुबह। जैसा कि हमने बोला था कि हम 12 घंटे काम करने वाले हैं, लेकिन इमरजेंसी की वजह से कल रात में रश्मि जो है घर पे आ गई थी रात में इलाहाबाद से, तो फिर मुझे जल्दी जाना पड़ा क्योंकि चाबियां जो मेरे पास ही थी सारी, तो सिर्फ 10 घंटे ही मैं कल काम कर पाया। तो 10 घंटे में कितना काम हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चलो अभी चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पे चल के आपको दिखा देते हैं कि कल हमारा कितना काम हुआ है। कल 2 तारीख थी, आज 3 तारीख है, लॉगिन कर लिया है मैंने आईडी। तो चलो पहले हम कल का आपको दिखा देते हैं। तो अभी हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं, अपने जो ऐप है उसको मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे पेआउट पे चलते हैं और आप लोगों को पेआउट दिखा देते हैं। पेआउट पे जाने के बाद जो है कल का मैं डेट जो है वो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। कल का डेट था 2 तारीख, तो 2 तारीख मैंने जो है सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 14 ट्रिप 15 ऑर्डर जो है हो चुके हैं। लॉग इन आवर्स जो है वो 10 घंटा है, और गिग्स मैंने जो कैंसिल की थी उसका जो है कट गया है 20 रुपये। इसके बाद जो है 460 रुपये है, यानी कि बना हुआ है जो कि मैंने 10 घंटे में अर्निंग किया है। कल की काम की बात करें तो टोटल जो है 480 रुपये का काम हुआ था, 10 घंटा मैंने काम किया था, जिसमें मैंने 2 घंटे की जो गिग्स है वो कैंसिल की थी 11 से 12 और 10 से 11 की, तो उसका 20 रुपये जो है वो माइनस हो गया था, इसलिए जो है 460 रुपये का काम हो पाया। तो 10 घंटे में 460 रुपये का काम हो पाया है, वैसे 480, लेकिन 20 रुपये की कैंसिलेशन का जो है 2 घंटे का लग गया। तो कुछ इस तरह से जो है 10 घंटे का जो है कल कमाई हो पाई। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग बोलते हो तो ऐसे ही कंटिन्यू ब्लॉग करता रहूँगा मैं, और जोमेटो से रिलेटेड ब्लॉग जो है बनाना शुरू कर दूँ मैं सोच रहा हूँ, और जो जितना भी है मैं आप लोगों को दिखाने की वैसे कोशिश करता हूँ, बट क्या करूँ, एक ही मोबाइल से सारा कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता है। कल रात में भाई भी मिल गया था तो देख सकते हो कि रात में क्वालिटी वगैरह उतनी अच्छी आ नहीं पा रही थी, इसके लिए जो है फिर रात में मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर सकता हूँ। दिन में जो है टाइम मिलता है लेकिन ऑर्डर कम रहते हैं, तो जितना हो सकता है मैं उतना रिकॉर्ड कर पाता हूँ। दूसरा चीज़ क्या है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है भाई साहब कि अगर वीडियो बना भी लोगे ना तो एकदम कचड़े जैसी वीडियो हो जाएगी, इतनी ज़्यादा जो है नॉइस रहेगी। अभी भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत कम ट्रैफिक है, इसकी वजह से भी जो है अभी नॉइस इतनी सारी आ रही है, तो जब ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो उस समय क्या हालत होती होगी। तो इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया कर लो, और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।